हाय एवरीवन, तो मैं आज आया हूँ एक होटल में। पिछले 2 महीने से मैंने कुछ नॉन वेज नहीं खाया, तो मैंने मांगा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो मैंने पकोड़ा और सूप लिया थोड़ा। मेरा दिल तभी भी नहीं माना, तो मैं पास के एक रेस्टोरेंट में चला गया। देखिए, पिछले 2 महीने की तलब को मैं आज मिटाने आया हूँ रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट काफ़ी सुनसान। फ्राई राइस है क्या? मिलेगा एक सो ऑनियन चॉप के साथ मेरा फ्राई राइस विद सूप एंड चिल्ली पेस्ट तैयार खाने को। आई नो गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों 2 महीने से नॉन वेज नहीं खा रहा था। एक्चुअली सावन का महीना था, तो उसे हम हिंदू लोग मानते हैं और इसमें मान्यता है कि इसमें नॉन वेज सब चीज़ नहीं खाना है, तो मैं उसे फॉलो कर रहा था। बहुत लोग रील्स देख के डायलॉग भी दे रहे थे कि आप लोग पूरे साल नॉन वेज खाते हो, सावन में ही क्यों एक्टिंग करते हो हैं तेन। अरे मान्यता है, अपने अपने नियम है यार। और मुझे पता है वो लोग एक हफ्ता भी बिना मीट मछली का बैठना मुश्किल है उनके लिए, तो ये हमारे लिए एक तरह का तपस्या है, जो जिसके बिना हम रह नहीं सकते उसके बिना 2 महीना रहना। कुछ लोग आ गए रेस्टोरेंट में, देखिए। उसके बाद मैंने चट कर दिया जल्दी से, फ्राई राइस, चिकन फ्राई राइस था, और मैं चला गया वहाँ पर। QR था, मैंने स्कैन किया, 110 रुपीज़ ओनली हुआ था मेरा बिल। मैंने टूथपिक लिया क्योंकि मीट खाने से दांत में फंस जाता है। और ये है रेस्टोरेंट, टाटा, थैंक यू रेस्टोरेंट। तो अब मैं निकल गया मेरे दोस्त के घर, आज वहाँ पर थोड़ा डिनर था। और मैं जैसे ही दोस्त के घर पहुँचा, मैंने देखा लॉर्ड्स ऑफ पपीस, मजाक कर रहा हूँ, ओनली 4 पपीज़, बहुत प्यारे प्यारे। ब्रीड जो था इनका है जर्मन स्पीच, और ये अबाउट टू सेल है। सो अगर किसी को भी चाहिए, अगर वो आलो शहर के अंदर में है, आलो में, तो काइंडली मुझे DM भी कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। पर पपी 4000, कमती कर देगा 3500 तक। सो गाइज, आफ्टर 2 मंथ्स मैंने जो मेरा सावन का नियम था उसे पूरा किया, एंड पपीज की भी जानकारी दी आप लोगों को। अगर आप लोगों को पपीज़ पसंद आए हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे DM कर दीजिए। बहुत कम है, अबाउट टू सेल, कम्प्लीट होने वाला है, 7 पपीज़ थे, तो DM कीजिए। एंड आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल हेट्स व्लॉग।